हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ रफीक बार। और भाई, देखने जा रहे एपिसोड 144 का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा कि बिल्कुल अब भाई तारकासुर के बंदे पीछे तो आ गए पार्वती जी के, बाकी आगे देखते हैं। करते वीडियो स्टार्ट। यार काफी चिंता वाली बात है। पुत्री पार्वती रास्ता भी अब चीजें कुछ नहीं तो है बदलेगी भाई। वो भी आगे बढ़ रहे हैं। ओए यार, क्या हो गया इनके साथ? पार्वती क्या क्या हुआ एकदम? देवी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
पार्वती को कुछ नहीं होगा और ना ही कुछ हो सकता। लाओ आप गुस्सा इधर निकलेगा। क्या तात्पर्य है आपका कि कुछ नहीं हुआ मेरे को? तो जी पीछे में आज जो आए थे उन्होंने आक्रमण किया मेरी पुत्री पर, उसे क्षति पहुंचाना चाहते थे और आप कह रहे कि चिंता की कोई बात नहीं। क्या ये चिंता की बात तब होती जब याद हो जाती? नहीं ऋषि, आप लोगों ने मेरे स्वामी की नरेश को आश्वासन दिया था कि मेरी पुत्री आपके आश्रम में सुरक्षित रहेगी। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आज मेरी पुत्री के प्राणों पर बधाई। और वैसे आप लोगों के साथ रहकर मेरी पुत्री विष्णु को छोड़ शिव की ओर आकर्षित होने लगी। हमारा यहाँ रहना उचित नहीं। लो यार, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं आज अपनी पुत्री को लेकर यहाँ से प्रस्थान करूंगी। किंतु माँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपना हित और अहित समझ सको। तुम्हारे जीवन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे माता पिता को है। चलो देवी, मेरा आपसे निवेदन है कि आवेश में आकर कोई निर्णय ना ले। आप दोनों केवल इसी आश्रम में सुरक्षित है। देख ले आपकी सुरक्षा। अब असुरों को पता चल गया है कि पार्वती यहाँ है तो वो आक्रमण करेंगे। वो कुछ नहीं कर पाए। मैं अपनी पुत्री को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा मेरी पुत्री को। दूर लेकर चली जाऊंगी अपनी पुत्री। ये no. कैसा no. ओ हुए ऋषिवर, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ मेरी माँ को? क्या हुआ गुरुदेव? क्षति मस्तिष्क के भीतरी भाग में पहुंची। ऐसी चोट के पश्चात बच पाना असंभव होता है। होती है। नाड़ी हर पल गिरती जा रही है। अब तो इन्हें केवल ईश्वर की कृपा ही बचा सकती है। एकदम से तो मेरे कारण ही हुआ। यदि मैं माँ की आज्ञा मान लेती और आश्रम से बाहर ना जाती तो ये सब नहीं होता। नहीं ऋषिवर, मैं अच्छी पुत्री नहीं हूँ। मैं अच्छी पुत्री नहीं हूँ। की रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। पुत्री, जब शिव पे विश्वास है तो फिर ये भी विश्वास होना चाहिए कि शिव सारे दुख हर लेंगे। अपनी चिंताएं शिव को सौंपकर भक्त को चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। यदि आप चाहें तो अपनी भक्ति से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जैसे जैसे मैंने अपनी भक्ति द्वारा
शिव को प्रसन्न किया और शिव ने मुझे अमृत का वरदान दे दिया। उसी समय शिव ने अकाल मृत्यु टालने वाला महामृत्युंजय मंत्र भी इस संसार को दिया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ, लो इसे सुनकर। भक्ति में शक्ति और महादेव का अपने भक्तों के प्रति प्रेम, सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। ये घटना उस समय की है जब मैं 11 वर्ष का था। 11 वर्ष जो तुम्हारी आयु है। क्या हुआ आचार्य, आप मेरे पुत्र मारकंडे को वापस क्यों ले आए? इसे समय कितना हुआ है गुरुकुल में? अभी तो इसकी शिक्षा का अधिकांश भाग देश है गुरुदेव। आप दोनों व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तुतः आपके पुत्र मार्कंडेय ने अल्पकाल में ही वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो मेरे पास था। जिस विद्या को ग्रहण करने के लिए अन्य शिष्य मेरे गुरुकुल में 12 वर्ष लगाते हैं, उसे मार्कंडेय ने मात्र 3 वर्षों में ग्रहण कर लिया। क्या बात है भाई, ऋषि मार्कंडेय जी तो काफी पहुंची हुई चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख ले कि एक जो असुर है ना, उन्होंने एक जैसे ही आक्रमण किया तो सबकी भाग दौड़ ला गई कि पता नहीं क्या चीज़ें हो जाएंगी या क्या नहीं होगा, इसके लिए काफ़ी परेशान हो गए। लेकिन जब भी पार्वती जी ने महादेव जी को पुकारा और इधर से ऐसे एक बार पानी आया, वो असुर तो ऐसे बहते गए हैं कि उन नज़र भी नहीं आए कि कहाँ चले गए हैं। भाई ये इन्होंने एक देख ले कि कोई देखते नहीं क्या हो रहा है, कोई सोचते नहीं, सीधा अपना आते हैं तो आक्रमण, और इन्होंने कुछ करना भी नहीं होता। लेकिन अब इनके साथ सही इनका एक इलाज हुआ है। असुरों के साथ होती जाती है हर दफा, ऐसे ही उनको लगा था कि हम जीत जाएंगे और एक पार्वती जी को कोई हानि पहुंचा देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बेचारे ऐसे नजदीक ही थे तो पीछे से ऐसे वह आया हुई और मतलब कि पता भी नहीं चला, पता नहीं कहां गए क्या नहीं, लेकिन चक्री चला वो कहीं पीछे ही से छुपा, फिर उधर से ही निकल गया होगा। और मजे की बात है कि वो तारका सुरुष पर गुस्सा भी नहीं होता, हाँ, उस चक्री पर, चाहे वो जितनी भी गलती बड़ी कर दे। ऐसे ही है, लेकिन ये कि आगे थोड़ा सा भाई सैड पार्ट इस तरह हुआ है कि जिस तरह आप देख ले के पार्वती जी की माता जो है ना, वो मतलब मैनावती जी, हाँ, उनको चोट आ गई है, लेकिन कोई गहरी चोट आई है, जहरी बात है, जिस तरह अभी तक वो होश में नहीं आ रही। और दूसरी तरफ महर्षि मार्कंडेय जो है ना, वो ज़रूर उनका कोई ना कोई हल निकालेंगे, जिस तरह उनके पास एक मंत्र है जो पहले भी उन्होंने महादेव जी के पास ही है और मिनट भी नहीं लगना, हर चीज़ हो जाएगी। लेकिन पार्वती जी ने एक पुकारा तो है महादेव जी को ठीक करें, लेकिन आगे से भाई चीजें और तरफ चल गई हैं। लेकिन सही है, वो भी पता चल जाएगा ना, जिस तरह वो उन्होंने पहले भी एक दफा ये मामला हुआ था तो उन्होंने बताया था कि मुझे ये मंत्र मिला है, तो उसका आप क्लियर पता चल जाएगा। देख लो वो कितने लायक थे कि उन्होंने 3 वर्ष में सिर्फ अपना प्राप्त करके अपना निकलवाए वहां से। बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।